हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का प्रोजेक्ट है हमारा द 100 ड्रेसेस। तो ये मॉडल देख रहे हो आप, 100 ड्रेसेस का मॉडल है। इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको कैसे कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है, जिसमें एक वेंडा नाम की लड़की होती है, जो आप देख रहे हो ये वेंडा नाम की लड़की है, जो पोलैंड शहर में पहले रहती है और वो USA शिफ्ट होती है। तो इसमें वो चीज़ सीन दिखाया हमने, ठीक है। और सेकंड पार्ट में दिखाया हमने कि जो लड़की वो पढ़ने के लिए आती है वेंडा नाम की, और वो क्लास में सबसे पीछे लास्ट बेंच पे बैठती है, और उसका ड्रेस अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो वो लास्ट बेंच पे बिल्कुल शांत बैठती रहती है, अकेले किसी से ना बोलती ना किसी से हंसती है। तो सारे जो लड़कियाँ हैं वो नोटिस करती है वो कि अलग क्यों है सबसे। फिर लास्ट कभी कभी उसको यहाँ पे हमने दिखाया है जो गार्डन में कभी कभी जब वो होते थे तो उनके मजाक भी उड़ाया जाता था, उनसे पूछा जाता था कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं इनसे वेंडा से, क्योंकि वेंडा एक ही कलर की ड्रेस पहनती डेली। तो लड़कियाँ सब पूछती थी कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो ये लड़की बोलती थी 100 ड्रेसेस। तो ये लोग शौक होते थे कि इनके पास 100 ड्रेसेस हैं तो ये सिंगल ड्रेस क्यों पहनती है डेली। तो फिर इसका राज यहाँ पे आके पता चला फोर्थ पार्ट में को एक्चुअली क्या था ना कि वो आप पता ही आपको कि जो ये एक दिन कंपटीशन हुआ कि ड्रेस मेकिंग कंपटीशन, जो ड्राइंग होती है ड्राइंग बनाने का, तो उसमें क्लासरूम में सबसे जो ज़्यादा 100 ड्रेसेस बनाई थी वो वेंडाई बनाई थी, और वेंडाई विनर रही। तो ये टीचर अनाउंसमेंट कर रही है, और उनकी जो ये फ्रेंड थी पिगी एंड नेगी, जो ये फ्रेंड थी, ये शौक हो गया कि वो कैसे बाद में पता चला कि वो इसी ड्रेस के बारे में बोल रही थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस सीन में ये सब चीज़ क्रिएट किया गया है। लास्ट में फिर वो जब वो अपने घर जाती है तो वो अपना ड्रेस देखती है, वो जो ड्रेस देख रहे हैं यहाँ पे आप, ड्रेस देखती है, फिर वो सोचती है तो ये तो हमारी ड्रेस बना रहे थे, ऐसे कुछ इसका कहानी है। तो आप लोग बताइए कि कैसे लगे आपको ये प्रोजेक्ट। मेन तो प्रोजेक्ट है, कहानी तो और भी इसमें। तो ये प्रोजेक्ट हमने इस तरह से बनाया हुआ कि फोर्थ पार्ट में सारा चीज़ तो दिखाना मुश्किल है, तो इतने चीज़ में हमने सभी चीज़ को कवर किया हुआ है। तो कैसे लगे प्रोजेक्ट आप लोग को ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।